नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी और उस पिटीशन में मतलब पीआईएल जहां तक मेरा अंदाज़ा है पीआईएल फाइल हुई थी और वो पीआईएल में ये आग्रह किया गया था कि नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आई है उसके तहत अगर पूरे देश में एक राष्ट्र एक शिक्षा का फार्मूला लेकर आना है तो फिर ये आवश्यक है कि एक बोर्ड भारत में हो, एक राष्ट्र एक बोर्ड। अब कहने में अच्छा लगता है एक राष्ट्र एक चुनाव, कहने में अच्छा लगता है एक राष्ट्र एक विधि, कहने में अच्छा लगता है एक राष्ट्र एक सुविधा। ये सबसे पहले इशू आया था एक राष्ट्र वाला जब देश में कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम होना शुरू हुआ था, तब उस समय हमने कई प्रकार के संविधान बनाने शुरू किए थे। पहले बीएन राव ने एक ड्राफ्ट बनाया था, बाद में डॉक्टर अम्बेडकर के पास यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का ड्राफ्ट आया, यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बने, और इसके अलावा फिर से बीएन राव स्टेटों में भेज दिए गए ताकि स्टेट और प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन बनाए जा सकें। अब स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशन के जब स्टेट और प्रोविंसेस के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई तो उसके बाद एमके वेलोडी कमेटी ने एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों के लिए प्रेफर किया था। ये मॉडल कॉन्स्टिट्यूशन राज्यों में बनना था और यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन अलग बनना था, यानी कि हर राज्य में नागरिकों के अधिकार कर्तव्य अलग अलग हो सकते थे और होने ही थे, वो वहाँ का रूलर या वहाँ की जो जो सरकार है वो उसको तय करना था। बाद में सरदार पटेल ने ये बात कही कि नहीं भाई, एक राष्ट्र एक नागरिकता और एक प्रकार के अधिकार कर्तव्य होने चाहिए। इस बात को लेकर और मजे की बात यह है कि 10 अक्टूबर सन 1949 आप याद करिए कि संविधान बनना शुरू हुआ था 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान बनना शुरू हुआ था और 9 दिसंबर 1946 से लेकर 1949 के 10 अक्टूबर तक भारत में कई प्रकार के संविधान बनने थे। इसके बाद के एम मुंशी ने एक दिन ऑनरेबल उस समय के गृह मंत्री या मैं उप प्रधानमंत्री कहूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक पत्र संविधान सभा में पढ़ा। संविधान सभा में उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ये चाहते हैं या सरदार पटेल का पत्र ये कह रहा है कि भारत में एक प्रकार की नागरिकता होनी चाहिए, भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकार की नागरिकता और भारत में अलग अलग राज्यों में अलग अलग नागरिकों के अधिकार कर्तव्य, ऐसा होना ठीक नहीं है, इससे राष्ट्र का जो उद्देश्य है वो विफल होता दिखाई देता है। क्योंकि हमने जब राष्ट्र को इंटीग्रेट किया दोबारा, क्योंकि अंग्रेजी शासन के समय पर पैरामाउंसी थी और पैरामाउंसी ईसाइयों ने की थी तो अलग अलग राज्यों को अलग अलग तरह के अधिकार कर्तव्य दिए थे, अलग अलग प्रकार के रूलर वहाँ रूल कर रहे थे और उनकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग प्रकार से चल रही थी। मुस्लिम शासक अगर कोई था तो वो मुसलमानों की तरह शासन कर रहा था, अगर वो हिंदू था तो हिंदुओं की तरह शासन कर रहा था, यानी कि राज्यों के अंदर प्रिंसली स्टेट्स के अंदर अलग अलग प्रकार के प्रशासन, अलग अलग प्रकार की प्रशासनिक विधियाँ, अलग अलग प्रकार की लीगल विधियाँ, अलग अलग प्रकार के लैंड लॉस और अलग अलग प्रकार की शिक्षा पद्धतियाँ चल रही थी। आप सोच कर देखिए कि राज्यों में अलग अलग प्रकार की फोर्सेस भी थी और राज्यों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था। अब ऐसी 562 रियासतें और उस समय के 13 प्रोविंस और इसके 562 रियासतें 13 प्रोविंस, इन सब में अलग अलग कानून बनना, अलग अलग प्रकार की व्यवस्था, तो आप सोचिए कि इनको इंटीग्रेट किए बगैर राष्ट्र को आप एक राष्ट्र कैसे कहेंगे। अंग्रेजी व्यवस्था का उद्देश्य तो एक राष्ट्र बनाना था ही नहीं, अंग्रेजी ईसाइयों की व्यवस्था का मतलब सिर्फ इतना था कि भारत से धन लूटकर वो कैसे ले जाएंगे। इसके लिए उन्होंने हर राज्य को जैसी सुविधा लगी वैसे कानून बनाए और वैसी व्यवस्था कर दी और वैसा वहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट कर दिया। अब जब आप वैसा एस्टेब्लिशमेंट छोड़ देंगे तो संभव है कि उस समय आपको याद होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने आज़ादी के बाद कहा था कि जो ये शब्द लिखा हुआ है इंडिया इज़ यूनियंस ऑफ स्टेट, ये शब्द गलत है, ये शब्द अगर ऐसा ही रहा तो एक ना एक दिन राज्य ये कहने लगेंगे कि भारत जो है वो राज्यों का समूह है। राहुल गांधी का बयान विदेश की धरती पर इसी प्रकार का आया जिसमें राहुल गांधी ने भारत को ये कह दिया कि राज्यों का समूह है, ये कोई राष्ट्र नहीं है। आप सोचिए कि ऐसी अंडरस्टैंडिंग आज 2022-23-24 में जब हमारे देश के उन राजनेताओं के जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हों, वो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने 50 के दशक में 60 के दशक में कहा था कि ये इस भारत के लिए समस्या खड़ी करेगा।
फेडरेशन शब्द इस्तेमाल करने पर जोर दिया जा रहा था, तब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था ये हमारे देश के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, भविष्य में लोग फेडरल कॉपरेशन के नाम से फेडरेशन को तोड़ने की साजिश कर सकते हैं, जबकि भारत एक राष्ट्र है। डॉक्टर अंबेडकर और उस समय सरदार पटेल की जोड़ी, सरदार पटेल बाहर इंटीग्रेशन कर रहे थे लेकिन उसका कोई कागज़ डॉक्यूमेंट भी तैयार करना पड़ेगा ताकि भविष्य के लिए हो, वो सारी प्रक्रिया डॉक्टर अंबेडकर कर रहे थे। तो वहाँ पर जब सरदार पटेल की चिट्ठी के मुंशी ने पढ़ी तो उसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने प्रस्ताव रख दिया और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा कि अब हम राज्यों के अलग अलग संविधान नहीं रखना चाहते, हम एक ही संविधान में राज्यों के अलग अधिकार कर्तव्य रखेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए सातवीं अनुसूची तैयार की गई थी और उस सातवीं अनुसूची में जो सब्जेक्ट हैं, स्टेट सब्जेक्ट क्या होंगे, यूनियन के सब्जेक्ट क्या होंगे और कंकरेंट लिस्ट क्या होगी, यानी कि यूनियन कौन से सब्जेक्टों पर काम करेगा, राज्य कौन से सब्जेक्टों पर काम करेगा और दोनों मिलकर कौन से सब्जेक्टों पर काम करेंगे। ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर इसी बात को लेकर बहस थी, क्योंकि जब एक राष्ट्र एक शिक्षा प्रणाली की आप बात कहेंगे तो कॉन्सेप्चुअली ठीक लगती है, क्या प्रैक्टिकली संभव है, क्योंकि हर राज्य का अपना स्वभाव है, हर राज्य की अपनी शिक्षा व्यवस्था है, हर राज्य का अपना सिलेबस है, हर राज्य का अपना इतिहास है और हर राज्य की अपनी एक भाषा है, तो इसीलिए एजुकेशन को कंकरेंट लिस्ट में रखा गया। जब PIL दिल्ली हाई कोर्ट में लगाई गई अश्विनी उपाध्याय जी के द्वारा, तो फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने CBSE को बुलाया, क्योंकि जो 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें प्रतिनिधि संस्था के रूप में जिसको करिकुलम तैयार करना है पूरे देश के लिए वो CBSE था। हम सब जानते हैं CBSE बोर्ड बैठा हुआ है, NCERT उसके लिए किताबें लिखता है, तो सबसे पहले CBSE एक सिलेबस तैयार करेगा और वो कॉमन सिलेबस पूरे देश में चले ऐसा प्रयास करेगा। लेकिन हर राज्य में अपना बोर्ड है, उत्तर प्रदेश का अपना बोर्ड है, मध्य प्रदेश का अपना बोर्ड है, दिल्ली का अपना बोर्ड है, या फिर मैं कहूँ हरियाणा पंजाब के अपने बोर्ड हैं, पूरे देश में सभी राज्यों के अपने बोर्ड हैं और ऊपर से चूंकि कंकरेंट लिस्ट में आता है इसलिए केंद्रीय बोर्ड भी है, तो केंद्र का बोर्ड जो है वो CBSE है। CBSE बोर्ड की अपनी पुस्तकें NCERT के नाम से चलती हैं, उनके स्कूल यानी कि उस बोर्ड से सेंक्शन लेकर पूरे देश में स्कूल खोले जा सकते हैं, उस बोर्ड को हम CBSE बोर्ड कहते हैं, और फिर राज्यों के अपने बोर्ड हैं, राज्य अपना चलाते हैं। मजे की बात हमारे देश में यह है कि एक ही राज्य में, एक ही जिले में, एक ही मोहल्ले में दो स्कूल अगर बने हुए हैं, एक राज्य का स्कूल है और एक केंद्र का है, तो केंद्र का सिलेबस अलग है और राज्य का सिलेबस अलग है। इस बात को लेकर अश्विनी उपाध्याय जी ने ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट में ये गुहार लगाई थी कि जब नई एजुकेशन पॉलिसी आप लेकर आ रहे हैं तो 2020 में नई एजुकेशन पॉलिसी चूंकि CBSE के मार्गदर्शन में बन रही है और CBSE ही उसका सिलेबस तैयार करेगी, इसलिए ये भी आवश्यक है कि देश में एक ही बोर्ड हो, भले ही वो CBSE बोर्ड हो, और एक राष्ट्र एक बोर्ड होना चाहिए। CBSE को जब कॉल किया गया, क्योंकि वो प्रतिनिधि संस्था है इसलिए उसको जब कॉल किया गया और उसका बयान लिया गया, तो ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर CBSE ने ये कहा ये संभव नहीं है, हम इसको सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट का मामला है, ये संवर्ती सूची में है, हर राज्य का अपना स्वभाव, अपना सिलेबस, अपना हिस्ट्री, अपनी ज्योग्राफी है, इसलिए उस राज्य की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिलेबस पढ़ाना भी आवश्यक है, वो चीज़ें सब राज्य सरकार तैयार करती है और राज्य सरकार के पास है, उसका अधिकार है, राज्य का अपना बोर्ड है, इसलिए हम प्रतिनिधि संस्था होने के नाते, CBSE के नोडल संस्था होने के नाते, या मैं कहूँ वो उन्होंने कहा कि G20 के नए एजुकेशन पॉलिसी में जो मेन संस्था है जिसको सिलेबस तैयार करना है उसके नाते, या नोडल अधिकारी नोडल संस्था के नाते हम एक कॉमन सिलेबस तैयार करेंगे पूरे देश के लिए, अगर राज्य के बोर्ड चाहें तो उसको अडॉप्ट कर लें, राज्य के बोर्ड ना चाहें तो उसको अडॉप्ट नहीं ना करें, हम उन पर जोर नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि राज्यों का ये जो मामला है ये कंकरेंट लिस्ट में है, राज्य की और केंद्र की सूची एक है, मतलब अलग अलग है, ये समवर्ती सूची में है और दोनों के पास राइट टू एजुकेशन या एजुकेशन का भार है, एजुकेशन का सब्जेक्ट है, इसलिए हम राज्यों पर जोर नहीं डाल सकते, हम उनका सिलेबस बना सकते हैं, वो चाहें तो उसको अडॉप्ट कर लें। अब इस बात को लेकर CBSE ने सीधा विरोध ऑनरेबल कोर्ट में कर दिया, और विरोध नहीं कर दिया, ये सीधा एक लॉजिकल बात है और वो लॉजिकल बात रख दी, लेकिन हमारे देश की समस्या ये है कि उसी जिले में जो बच्चे CBSE से पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस और जो बच्चे उस स्टेट के बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनका सिलेबस भिन्न कैसे हो सकता है? क्या उन बच्चों को जो CBSE बोर्ड से पढ़ रहे हैं उनको लोकल की जानकारी होना आवश्यक नहीं, या फिर जो लोकल बोर्ड से पढ़ रहे हैं, स्टेट के बोर्ड से पढ़ रहे हैं, क्या उनको CBSE के अनुरूप राष्ट्रीय जानकारी की आवश्यकता नहीं? इसलिए ये डिस्क्रिपेंसी आ रही है,
मैं आपको बता दूं कि उस समय जो इंटीग्रेशन हुआ, पुलिस का इंटीग्रेशन हुआ, मैं 47 से 50 की बात कर रहा हूं, पुलिस का इंटीग्रेशन हुआ, मिलिट्री का इंटीग्रेशन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का इंटीग्रेशन हुआ, और ऐसे बहुत सारे इंटीग्रेशन उस समय हुए थे, लैंड लॉस के इंटीग्रेशन होते हैं। आज भी जो सरकारों को काम करना था 47 के बाद, उन्होंने अपना रोल प्ले नहीं किया, इसलिए राज्यों के कानून अलग बने और जो सेनाएँ उनके पास थीं तो उसको किसी को राजपूत रेजिमेंट कर दिया, तो किसी को सिख अलाई रेजिमेंट कर दिया, तो किसी को गुरखा रेजिमेंट नाम दे दिया, किसी को कुछ दे दिया, किसी को कुछ दे दिया। यानी कि उन फोर्सेस को, जो राज्यों की फोर्सेस थी, उन फोर्सेस को केंद्रीय फौज में शामिल करवाकर उनकी अलग यूनिट बना दी गई, और उनकी अलग यूनिट में आज भी हमारे देश में बहुत सारी पैरामिलिट्री सर्विसेज ऐसी हैं जिनके अपने रूल्स, रेगुलेशन, कमांड भी अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि वो फोर्सेस जो केंद्र की बनाई गई, वो वही फोर्सेस हैं जो 47 में थी, और उनको इंटीग्रेट करके एक कर दिया गया। हम आज भी उन फोर्सेस को एक साथ नहीं मिला पाए, उनके रूल्स रेगुलेशन एक नहीं कर पाए, उनकी छुट्टियां और उनके कमांडे एक से नहीं कर पाए। कुछ ना कुछ फ़र्क सभी में है, उनके रूल्स में, रेगुलेशंस में कुछ ना कुछ फ़र्क ऐसा लोग कहते हैं कि दिख जाता है। हालांकि कोशिश की गई है कि पूरा एक रूप हो जाए, फिर भी अभी तक हम फुल्ली इंटीग्रेशन नहीं कर पाए हैं, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। मेरा मानना यह है कि इसी प्रकार से पुलिस फोर्स अलग अलग राज्यों के अलग अलग ड्यूटी कर्तव्य के साथ आती है, और ख़ास तौर से जो ज़मीन के विवाद हैं, लैंड लॉज हैं, हर राज्य के अपने लैंड लॉ, उत्तराधिकार के नियम अलग अलग हैं। इन बातों को तो लेकर उस समय सरदार पटेल और डॉक्टर अम्बेडकर एक मूड में थे, और दोनों यही चाहते थे कि सभी जो हमारे यहाँ के नागरिक हैं, उन नागरिकों के अधिकार कर्तव्य पूरे देश में एक से हों। ऐसा ना हो एक राज्य का नागरिक कुछ अधिकार ज़्यादा ले और दूसरे राज्य का नागरिक कुछ कम अधिकारों के साथ हो। ये समस्या उस समय लाकर खड़ी करी गई थी, लेकिन हमने स्वतंत्रता के बाद उसको सही नहीं किया, ये हमारा दोष रहा। आज वो बात जब कही जा रही है कि नहीं, हम एक राष्ट्र एक बोर्ड बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो उस पर प्रश्न ये कह के खड़े हो रहे हैं कि नहीं, वो तो कंकरेंट लिस्ट में है और राज्यों के अपने अधिकार हैं, उसको हम नहीं छीन सकते। फिर भी सवाल वहीं पर आता है कि एक ही पिता के दो बच्चे, एक CBSE में पढ़ रहा है और एक स्टेट बोर्ड में पढ़ रहा है, क्या दोनों के अधिकार कर्तव्य सेम नहीं हैं? हाई कोर्ट ने जब CBSE से पूछा तो उन्होंने तो वही लॉजिकल आंसर दिया कि कंकरेंट लिस्ट है, इसलिए इस विषय पर हम किसी को जोर नहीं डाल सकते। हाँ, हम एक नेशनल करिकुलम का सिलेबस बना देंगे, वो राज्यों पर हो जाए। मुझे लगता है कि इसके बजाय ये भी हो सकता था कि इनका करिकुलम हो और कुछ बुकें, जैसे हमारे पूर्वज, मतलब उस राज्य के पूर्वज, उस राज्य के जो ज्योग्राफिकल स्टेटस है, उस राज्य का कुछ अलग से बुक चलाई जा सकती थी। बाकी अगर हम कहें कि हिंदी की, इंग्लिश की, मैथमेटिक्स की, सोशल साइंस की या फिर साइंस की किताबें, ये सब्जेक्ट एक से पूरे देश में चलाए जा सकते हैं, क्योंकि इनसे सामाजिक स्टेटस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इनसे उस राज्य की जो अपनी भौगोलिक स्थिति, उसका फ़र्क नहीं पड़ता। राज्य की भौगोलिक स्थिति को लेकर राज्य के नाम से एक पुस्तक अलग से, एक सब्जेक्ट अलग से बनाया जा सकता है, और बाकी सारा सिलेबस केंद्र का, जो एक शिक्षा नीति का सिलेबस है, एक राष्ट्र एक शिक्षा, ऐसे करके बनाया जा सकता था। लेकिन अभी वो शैशव अवस्था में है, क्योंकि बहुत सारे और भी ऐसे प्रकरण हैं, बहुत सारे ऐसे और भी सब्जेक्ट हैं जिनका अभी एकीकरण हम नहीं कर पाए हैं। आज भी भारत में लैंड लॉस अलग अलग हैं, आज भी कुछ राज्य स्पेशल स्टेटस रखते हैं, आज भी कुछ राज्यों में ज़मीनें नहीं खरीदी जा सकती हैं, आज भी कुछ राज्यों में अलग अलग प्रकार की अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए आज आवश्यकता सबसे ज़्यादा अगर किसी बात की है तो वो इंटीग्रेशन की समस्या है, नहीं तो तमिलनाडु हम देख रहे हैं अलग कहीं भाग रहा है, केरला अलग कहीं भाग रहा है, इधर बंगाल अलग कहीं भाग रहा है, पंजाब अलग कहीं भाग रहा है, और उधर मराठे अलग भाग रहे हैं। तो आप सोच लीजिए कि अलग अलग राज्य अपनी स्पेसिफिक स्पेशलिटी की वजह से भाग रहे हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। उनमें एक रुकता तब आ पाती है जब एक पार्टी की सरकार पूरे देश में रहती। कांग्रेस की सरकार पूरे देश में एक पार्टी की रही, लेकिन उन्होंने इंटीग्रेशन पर काम जैसा होना चाहिए था वैसा कभी नहीं किया। परिणाम हम सब देख रहे हैं कि तमिलनाडु में रीजनल ग्रुप, या तमिलनाडु की बात करें, हम आंध्रा की बात करें, हम तेलंगाना की बात करें, हम उड़ीसा की बात करें, हम केरला की बात करें, हम महाराष्ट्र की भी बात कर सकते हैं, इसी प्रकार का बंगाल का, या हम पंजाब की बात कर सकते हैं, यहाँ पर लोकल
लोकल गवर्नमेंट के या जो रीजनल पार्टियां हैं वो इतनी ज़्यादा प्रभावी हो चुकी हैं कि वो अब केंद्र से लड़ते लड़ते राष्ट्र के प्रिंसिपल से भी लड़ना शुरू कर देते हैं और इस स्तर पर लड़ते हैं कि वो एक राष्ट्र की बातों को ये कह के हुए डिनाई करते हैं कि आप हमारे ऊपर थोप रहे हैं और आप थोप नहीं सकते, हमारी एक रीजनल आइडेंटिटी है। ये रीजनल आइडेंटिटी जम्मू कश्मीर ने जो जमहूरियत कहा था, कश्मीरियत कहा था, वो कश्मीरियत ही जम्मू कश्मीर की समस्या थी। हम सब भारतीय नहीं हो पाए, ये हमारी समस्या है। अगर हमारा हर राज्य ये कहे कि हमारी कोई कश्मीरियत नहीं है, हम केवल भारतीयता है, तो फिर मुझे लगता है कि एक राष्ट्र एक एजुकेशन, एक राष्ट्र एक इलेक्शन, एक राज्य एक व्यवस्था, एक राज्य एक लॉ, एक राज्य एक सिटीजनशिप, एक राज्य एक सर्विस लॉ, एक राज्य एक लॉज, ये सब कुछ किया जा सकता है। जब हम ऐसा करने में सफल हो जाएंगे उस दिन हम राष्ट्र को तोड़ने वाले लोगों के पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल रास्ते हैं वो रास्ते हमें लगता है कि हम उनको बंद करने में सफल हो पाएंगे या लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाएंगे। लेकिन आज की तारीख में CBSE ने ऑनरेबल हाई कोर्ट में ये कहते हुए मना कर दिया कि एक राष्ट्र एक बोर्ड नहीं बन सकता और हम उसके लिए कुछ कह नहीं सकते, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर ऐसा किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जाता है, तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज़ ये सब अलग अलग चलने वाला है, क्योंकि कंकरेंट सूची में आज की तारीख में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि इस पर अभी और काम करने की आवश्यकता है। सरकार को 9 वर्ष काम करते हुए हैं, बहुत सारे इंटीग्रेशन के प्रोसेस उन्होंने पूरे किए, लेकिन अभी भी बहुत सारे इंटीग्रेशन के प्रोसेस को पूरा करना शेष है, जिसको मुझे लगता है कि आगे आने वाली सरकारें पूरा करेंगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।